का तो सीधा ही है, जो भी ग्रह बैठा हो वहां से तीन घर आगे और तीन घर पीछे उसके तात्कालिक मित्र होंगे। सर एक बार और समझा दिए सर ये चीज तत्कालिक मित्र वाला। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बस। हाँ फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य सप्तम में बैठे हुए, तो बिल्कुल सर सूर्य के जो है ये दूसरा सूर्य से एक घर आगे, हाँ एक मतलब अष्टम भाव। हाँ सूर्य जब यहाँ बैठा हुआ तो पहला पहला तो यही हो गया जहां पे सूर्य है, तो हाँ सप्तम में दूसरा तीसरा और चौथा, मतलब दूसरा तीसरा और चौथा मतलब चार पांच छह सात। हाँ इस तरह से मत रखिए याद, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। केवल अच्छा, भाव से याद रखें। जो ग्रह बैठा हो उससे तीन घर आगे तक, जैसे कि यहाँ तो खुद बैठा है, उससे दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा इन भावों में कोई भी ग्रह बैठा होगा वो उसका इनका तत्कालिक मित्र होगा, मतलब अब सूर्य का यहाँ पे तत्कालिक मित्र हो गया बुध और गुरु। बुध और गुरु तत्कालिक मित्र है। और वैसे ही पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे दसवां, ग्यारहवां और बारहवां, या आप ऐसे भी रख सकते हो याद कि सूर्य से तीन घर आगे एक दो तीन, और पीछे की तरफ भी एक दो तीन। तो पीछे की तरफ तो यही है ना सर, मतलब छठा पांचवा और चौथा। नहीं इस तरह से ये तो कहीं भी हो सकता है ना, इस तरह से मत याद रखना। जहां आपने बैठा आपने ये बोला जैसे सूर्य बैठा है, सूर्य तो सप्तम भाव में बैठा है, हुआ है यहां भले से चार कितना, घर, यहां से उसके चार घर, तो पहला घर तो वो स्वयं का हो गया सप्तम का। हाँ वो नहीं गिनना, जहां पे कोई भी ग्रह खुद बैठा होगा वो नहीं गिनना, केवल दूसरा तीसरा और चौथा, और पीछे की तरफ बारहवां ग्यारहवां और दसवां। पीछे की तरफ बारहवां गए। ठीक आप यही मान, यहां मान लीजिए आप लग्न, ठीक है, यहाँ पे है मान लिया हमने यहाँ पे सूर्य है, यस सर। तो यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य से हमने दूसरा तीसरा और चौथा, ये जो है इन भावों में बैठे ग्रह सूर्य के मित्र होंगे, ठीक है क्योंकि हमारे पास हाउसेज है 12, तो इस तरह से पीछे के भी फिर 12वें से गिनना शुरू करेंगे ना हम, क्योंकि 12 हाउसेज है हमारे पास, तो यहाँ से 12वां 11वां और 10वां, तो ये इनके मित्र होंगे। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सूर्य से जो है, सूर्य जहां बैठा हो वहां से दूसरा तीसरा चौथा और पांच, तीसरे तक चौथे तक तो होंगे मित्र, पांचवा मित्र शत्रु, छठा शत्रु, सातवां शत्रु, आठवां शत्रु, नवां शत्रु, ये दसवां मित्र हुआ, ग्यारहवां मित्र हुआ और बारहवां मित्र हुआ। दसवां ग्यारहवां बारहवां मित्र हो गया। ठीक है सर, तीन घर आगे और तीन घर पीछे, तीन घर आगे तीन घर पीछे, ये सिंपल है सर, तीन घर आगे तीन घर पीछे। हाँ हाँ तो ये होगी तात्कालिक मैत्री। और नैसर्गिक है वो तो याद करनी पड़ेगी, जैसे वो याद हो जाएगी तो आपको ये चीजें फिर बिल्कुल स्पष्ट होंगी। और इन दोनों को जोड़ के बनती है पंचधा मैत्री। तो पंचधा मैत्री जो है, जैसे कि यहाँ पे सूर्य है, तो जो ग्रह जो है मित्र होगा, जैसे कि नैसर्गिक रूप से सूर्य का मित्र कौन है, सूर्य का नैसर्गिक रूप से मित्र है गुरु बुद्ध और चंद्रमा, चंद्रमा। बुध सम है, चंद्रमा और गुरु है सूर्य के तात्कालिक मित्र, नैसर्गिक रूप से मित्र जो फिक्स है, तो हमने चंद्रमा को ले लिया, तो चंद्रमा जो है नैसर्गिक रूप से मित्र हुआ। और यहाँ पे कहाँ पे बैठा हुआ, दूसरे स्थान में बैठा हुआ कुंडली में, तो क्या हुआ, ये तात्कालिक रूप से भी मित्र हो गया, नैसर्गिक रूप से तो है ही, अब यहाँ पे तात्कालिक रूप से भी हो गया, क्योंकि ये बैठा है सूर्य से 12वें स्थान में, जी सर 12वें 11वां और 10वें तक माना हमने, 12वें में बैठा है तो ये तात्कालिक रूप से भी मित्र हो गया। तो नैसर्गिक और जब तात्कालिक रूप से कोई ग्रह मित्र हो जाता है तो वो अति मित्र हो जाता अति मित्र हो जाता। है। और उसके बाद जो है सूर्य जो है बुध को सम मानते हैं, बुध को सूर्य सम मानता है, और
यहाँ पे क्या है, बुध जो है दूसरे स्थान में होने के कारण तत्कालिक रूप से मित्र है, तो सम और मित्र जो है वो मित्र होगी। और तीसरी मैत्री है कि सूर्य जो है लग्न में है और सूर्य का जो है नैसर्गिक रूप से मित्र कौन है, मंगल है यहाँ पे। यस सर, रूप से मंगल सूर्य का मित्र है और तात्कालिक रूप से मंगल क्या है सूर्य का, शत्रु। हाँ शत्रु है, क्योंकि कैसे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवें में बैठा जा करके, तो इसीलिए शत्रु हुआ। लेकिन नैसर्गिक रूप से मित्र है, नैसर्गिक रूप से शत्रु हो गया। तो इसमें जो है जब कोई ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से मित्र होता तात्कालिक रूप से शत्रु हो जाता है, तो वो जो है सम हो जाता है, ना मित्र ना शत्रु। अच्छा, ना मित्र ना शत्रु। हाँ ये चीज आपने देख लेनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सूर्य के जो है शनि जो है, अगर बुध की जगह शनि होता, या तो शनि जो है वो तुला राशि में, माना तुला राशि में शनि, तो सूर्य का जो है नैसर्गिक रूप से शनि जो है वो शत्रु है, नैसर्गिक रूप से सूर्य का शनि शत्रु है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि तात्कालिक रूप से देखा तो शनि जो है वो सूर्य का मित्र है, हो गया यहाँ, क्योंकि कहाँ बैठा है, चौथे स्थान में सूर्य से, चौथे स्थान में बैठा है। हाँ तो इसीलिए तात्कालिक रूप से मित्र हो गया, तो शत्रु और मित्र जो है वो सम हो गया। तो नैसर्गिक रूप से सूर्य का शनि शत्रु होते हुए भी उसका प्रभाव खराब नहीं हुआ, क्योंकि वो सम हो गया। तो यहाँ पे प्रभाव में अंतर आ जाता है, तो इसीलिए तात्कालिक और नैसर्गिक मैत्री को याद करना बहुत जरूरी है। बड़ा कंफ्यूजन है लेकिन इन सब चीजों में। हाँ बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अगर समझोगे तो चीजें आ जाएंगी, वो जब याद हो जाएगा हम लोग को तब क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल, याद हो जाएगा तो बहुत जल्दी क्लियर होगा। हाँ लेकिन एक तरीके से निधि कंफ्यूजन भी तो कितना है ना, एक तरफ तो हम देखो ना प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सर तो बताएंगे, जब तक खुद पे अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग कोई फायदा नहीं होगा बताने का। हाँ सबसे नैसर्गिक मैत्री को याद कर लीजिए, बाकी ये तो सिंपल है, तात्कालिक नैसर्गिक रटनी पड़ेगी। तात्कालिक तो सर ये तीन आगे तीन पीछे, बस तीन आगे बस तीन पीछे, बाकी शत्रु का तो फॉर्मूला है, नैसर्गिक का फॉर्मूला नहीं है, वो याद करना पड़ेगा। सर नैसर्गिक का कोई फॉर्मूला बता दीजिए, जुगाड़ वाला याद हो जाए। शॉर्टकट तो बनाया होगा सर आपने, जुगाड़ वाला तो देखो वो हो जाता है इसमें थोड़ा सा, पर वही है कि इसमें जैसा मैंने बताया था कि सूर्य जो है और चंद्रमा मंगल और गुरु, ये चार ग्रह जो है आपस में मित्र हैं, लगभग इनकी आपस में मित्रता है, या तो कहीं पे एक आदर्श सम हो जाएगा एक दूसरे का, लेकिन इन चार ग्रहों में आपस में मित्रता है। आप दो टीमें बनाएंगे तो एक टीम जो है इनकी होगी, सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु की, और दूसरी जो है बुध शुक्र शनि राहु और केतु, इनकी आपस में मित्रता है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। बाकी मैंने वही चीजें बताई कि जुगाड़ का मतलब आपको वहां पे एकदम से चीजें कुंडली जब देखोगे तो एकदम से आपको देख के ये लगना चाहिए कि इसका ये मित्र है, एकदम से दिमाग में चलना चाहिए, वो तभी चलेगा जब आपको याद होगा। और अगर इतनी चीजें ये जो सब है ये आपने क्लियर कर लिया, इसको पढ़ लिया, तो आप बहुत अच्छी कुंडली देख पाओगे। आप किसी भी कुंडली को देख करके उसका पूरी तरह से फल बता सकते हो कि ये ऐसा होगा इसमें। पंचधा मैत्री, ये क्या है सर पंचधा मैत्री? ये पंचधा मैत्री वही तो थी जो बताई मैंने आपको, कि मित्र मित्र जो है
अति मित्र हो जाता है। अच्छा, जब एक ग्रह और दूसरा नैसर्गिक रूप से एक ग्रह मित्र हो, हाँ, और तात्कालिक रूप से भी वो मित्र हो, तो अति मित्र हो जाता है। अच्छा, और मित्र और शत्रु या शत्रु या मित्र वो सम, जैसे मैंने शनि और सूर्य का उदाहरण दिया। और उसके बाद है सम मित्र। सम मित्र जो है वो मित्र हो जाता है और सम शत्रु शत्रु हो जाता है। और जैसे मित्र और मित्र मित्र हो जाता है, अति मित्र हो जाता है, वैसे ही शत्रु और शत्रु अति शत्रु हो जाता है। अति शत्रु हो जाता है। मित्र मित्र अति मित्र और शत्रु शत्रु अति शत्रु। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे नैसर्गिक मैत्री सूर्य है यहाँ पे, और बगल में लिखा है मंगल मंगल, तो सूर्य और मंगल मित्र अति मित्र हो जाएंगे। हाँ, जैसे उन जैसे तीन घर आगे और तीन घर पीछे में अगर मंगल होगा कहीं भी कुंडली में, तो वो जो है वो अति मित्र हो। तो इस तरह से थोड़ा सा ये याद करने पड़ेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले इनको नैसर्गिक जो मैत्री है उसको याद कर लीजिए, फिर उसको घटाइए आगे, फिर तो ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा।